Hello everyone, welcome you all. I hope you all are safe and doing well. So जैसा कि हम सब ने आपको एक promise किया था कि हम जल्द ही एक time management पे जो है एक video बनाएंगे, short video. तो उसमें हम थोड़ी एक आपके साथ tips and discussion करेंगे कि कैसे एक aspirant को जो है अपना जो है वो time है जो manage करना चाहिए. एस्पिरेंट नहीं कह सकते हम पर्टिकुलरली, वो कोई भी हो, जो स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो, जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, तो उनके लिए जो है ये जो वीडियो है वही काफी एक इंफॉर्मेटिव होने वाला है. तो इसमें लास्ट में मैं आपके साथ एक आइडियल टाइम टेबल भी शेयर करूंगा. वो टाइम टेबल उनके लिए होगा जो लोग फुल्ली जो है वो किसी एग्जाम के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली जो है ये एक जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए है ये टाइम टेबल होगा. तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती क्यों है, क्यों हमें जो है वो टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिससे हमारा जो एक जिस प्रोसेस में हम लगे होते हैं या जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं उसका जो प्रोसेस होता है उसको वो एक इजी कर देता है. इजी कैसे कर देता है, क्योंकि आपके पास हर एक चीज जो है वो मैनेज होती है और आपको पता होता है कि मैंने इस समय पे ये चीज करनी है या उस समय पे ये चीज करनी है, तो वो आप जो है वो सिस्टमेटिकली जो है वो कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक स्टूडेंट के लिए और एक प्रोफेशनल के लिए ये दो अलग अलग चीजें हैं. देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल होते हैं वो किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं. जैसे कि हम आप अब पर्टिकुलरली एक यूपीएससी का एग्जाम्पल लें, तो यूपीएससी की जो एग्जाम की तैयारी है वो लोग 12th से लेके जो है वो प्रोफेशनल अगर जो जॉब कर रहा है वहां तक के लोग जो है वो कर रहे हैं. तो जैसे कि अगर हम स्टूडेंट्स की तैयारी स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल लें, तो स्टूडेंट्स जो है वो अगर आप देखेंगे कि जो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या एक जो दूसरा कोई ऐसा फुल टाइम स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट क्या होते हैं उनकी उनकी लाइफ में तो तीन ही चीजें हैं, वेक, स्टडी एंड स्लीप. लेकिन जो एक प्रोफेशनल होता है उसको अपने काम का भी बोझ है, अपने काम की भी टेंशन है, तो वो अपने काम के साथ साथ उसका एक चीज बढ़ जाती है तीन में से, तो वो क्या बढ़ती है उसका भी वही होता है सेम, एक वेक, सुबह उठना, वेक अप, एंड सेकंड थिंग इज दैट उसको एक ऑफिस वर्क जो होता है अपना एक शेड्यूल होता है पूरा, उसको अपना काम जो होता है अपनी जॉब को देखना पड़ता है, तो एक चीज उसकी वो ऐड हो जाती है. क्योंकि वो जो इसकी एक चीज ऐड होती है वो काफी एक हार्ड होती है और काफी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनके ऊपर होती है. तो उसके साथ साथ उन्होंने उनको अपनी स्टडीज भी करनी होती हैं और उनको एक प्रॉपर जो अपने माइंड को सेट रखने के लिए एक स्लीप भी चाहिए, एक सिस्टमेटिक स्लीप भी चाहिए जिससे वो है अपने आप को जो है एनर्जेटिक रख सकें. तो इन दोनों के हैं जो वो डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी प्रायोरिटीज हैं. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे जो स्टूडेंट होता है उसके लिए क्या टाइम टेबल हो, जो आइडियल टाइम टेबल वो होना चाहिए. देखिए, जो एक स्टूडेंट है वो स्टूडेंट स्टडी तो कर रहा है, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज में क्या होगा कि उसकी सोशल मीडिया जो है वो उसकी प्रायोरिटी ये होगी, या कुछ भी जो है वो अगर कुछ और चीज भी कर रहा है तो उसकी प्रायोरिटीज वो होगी. और जो जॉब वाला इंसान है, जो जॉब वाला बंदा है, उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि उसे जो असाइनमेंट्स मिली हैं या उसका जो वर्क है वो प्रॉपरली टाइम पे खत्म हो जाए. तो ये होता है कि इस चीज के चक्कर में जो तो स्टूडेंट जो है वो परेशान रहता है, उसका टाइम मैनेजमेंट वो नहीं हो पाता, और एक जो है वो वर्किंग प्रोफेशन है वो भी परेशान रहता है, उसका टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता. तो इसके लिए हमने जो है वो एक आइडियल टाइम जो है वो बनाया है. तो उस आइडियल टाइम को आपको जो है वो गेन करने के लिए, उसको जो है वो पूरा एक फॉर्मेट में लाने के लिए, अपने आप को उसमें ढालने के लिए जो है वो आपको दो चीजों की जो है वो रिक्वायरमेंट है. अब वो दो चीजों की रिक्वायरमेंट क्या है,
देखिए, एक तो है वो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द की टू द सक्सेस। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा किसी में तो वो इंसान जो है वो सक्सेस रेट उसका जो है वो इतना हाई नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं जो है वो फॉल बैक कर जाता है, क्योंकि एक डिसिप्लिन ही ऐसी चीज है जो इंसान को जो है वो मोटिवेट करती है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में ढालने की उसको कोशिश करती है, उसका टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा रहता है। और दूसरी चीज़ है, आपको अपने आप को काम रखना आना चाहिए। आप देखिए, काम आप कैसे रख सकते हैं अपने आप को? ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको कोई भी चीज़ हो रही है, तो आप सिर्फ 2 मिनट शांत हो जाइए और अपनी सांस पे कंट्रोल कीजिए। देखिएगा, आप अपने आपका माइंड जो है वो एकदम से शांत हो जाएगा और आप अच्छा फील करने लगेंगे। तो चलिए, अब हम ये देखते हैं कि क्या आइडियल टाइम टेबल है जो वो होना चाहिए।